हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू मई चैनल। हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मात्र 10 से 15 रुपए में हमें नर्सरी में मिल जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये बहुत ही कम देखरेख में हमारे गार्डन में सालों साल चलते भी हैं और किसी भी टाइम हम इन पौधों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए छोटी सी वीडियो में इन पौधों के नाम जान लेते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। कुछ परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों के कलर हज़ारों रंगों में मिल जाते हैं। कलर के साथ साथ पत्तियों की जो डिज़ाइन होती है वो भी बहुत ही अद्भुत होती है। मतलब अगर आपके गार्डन में बहुत ही कम फूल खिलते हैं तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी पत्तियों के कलर की वजह से हमें फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। उनमें से नंबर वन पे हमारा ये कोलियस है। कोलियस मात्र 10 से 15 और 20 रुपए में मिलने वाला ये पौधा है। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। इस टाइम के बाद ये पौधे हमें नर्सरी में दिखने को नहीं मिलता है नवंबर और दिसंबर में। इस पौधे को हम साल में किसी भी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से। बस ऊपर की टिप की कटिंग अगर आपको मिल जाती है 2 से 3 और 4 इंच की कटिंग मात्र, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव करके नोड एरिया से कटिंग कीजिए। ये जो लीव्स वाला पार्ट होता है यहाँ से रूट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। कुछ पौधे इंडोर और आउटडोर दोनों साइड चलते हैं। उनमें से हमारा ये रियो ट्राइकलर है। रियो की बहुत सुंदर सुंदर कलरों वाले पत्ते होते हैं, लेकिन ये रियो ट्राइकलर जो है इसमें 3 कलर मिक्स होते हैं। इसका बैक का कलर भी बहुत ही सुंदर है। अभी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है और मॉर्निंग की सनलाइट में ये कितनी शाइनिंग कर रही है, ये देखिए। ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। मात्र 10 रुपये में एक छोटा सा बेबी प्लांट आपको मिल सकता है नर्सरी। एक बेबी प्लांट को लगा के आप एक ही सीजन में हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। आयरनशन, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम का कलर आप ग्रीन या पैरेट देखते हैं, लेकिन इसका जो कलर है ये है पिंक कलर। पिंक कलर होने की वजह से इसका कलर कॉम्बिनेशन दूर से ही शाइनिंग करती है, जैसे आप सनलाइट में अभी देख सकते हैं। बहुत ही सस्ता पौधा है। ये पौधा भी हमें 10 से 15 रुपये में मिल जाता है, उससे अधिक इनकी प्राइस नहीं होती है। अगर ज़्यादा प्राइस बोलें तो आप बोलिए कि हमें छोटा पौधा दीजिए, छोटे पौधे कम प्राइस के हमें मिल जाते हैं। ये भी इसी टाइम कटिंग से बहुत आराम से लग जाती है, क्योंकि इस टाइम क्या होती है दिन में धूप होती है और रात को ठंडक होती है। ठंडक की वजह से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो होने में बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलती है। अगला प्लांट हमारा सिंगोनियम है। सिंगोनियम के बिना कोई भी गार्डन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इंडोर आउटडोर और एक सस्ता पौधा, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा और एक ऐसा रफ प्लांट है। बस एक बार सिंगोनियम आपके गार्डन में आ जाए, ये सिंगोनियम इस तरीके से बढ़ते हैं कि आप लगाते लगाते थक जाएंगे। क्योंकि इनके आसपास से देखिए अभी बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो हुए रहते हैं और हर बेबी प्लांट में एरियल रूट ग्रो हुए रहते हैं। बस इनको कट करके हम कहीं पर भी सेपरेट लगा दें तो वहाँ पर एक नया पौधा हमें फ्री में मिल जाता है। इनकी पत्तियों के कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इन पौधे को हम 15 से 20 रुपए में ख़रीद सकते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, लक्की प्लांट होते हैं, जिसे घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उनमें से हमारा ये जट प्लांट है। जट प्लांट को एक बेशरम प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कटिंग कहीं से भी अगर आपको मिल जाए और कहीं पर भी मिट्टी में थोड़ा सा टच करके लगा दे तो ये 100% ग्रो होना ही है। इसकी टोपियरी बहुत सुंदर बनती है। ये मैंने थोड़ा सा झूला लुक दिया है, लेकिन इनकी ब्रांचेस बहुत लेंदी हो गया है। अब मुझे इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करके इन कटिंगों को मैं लगा दूँगी और कुछ ही दिनों में वो कटिंग भी 100% ग्रो हो जाएगा। कटिंग कभी कभी फेल हो जाता है, उसका कारण ये होता है कि इनमें पानी ज़्यादा दे देते हैं। पानी ज़्यादा देने से इनकी कटिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि इनकी पत्तियों में और तनों में पानी स्टोर रहता है। कुछ पौधे की पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है। वो पौधे सैकुलेंट्स में आते हैं, जैसे ये है क्लैंचो मरियाना, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इनकी पत्तियाँ देखिए सनलाइट में कितना खूबसूरत लगता है। ये भी एक हार्डी पौधा है, जिसे इंडोर और आउटडोर हम दोनों साइड रख सकते हैं।
इनको जो ठंड में हम धूप में रखते हैं तो इनकी जो लीव्स हैं वो पर्पल कलर की हो जाती है, एकदम चेंज हो जाता है। और जब इंडोर रखते हैं तब ये थोड़ा सा ग्रीन शेड में हो जाता है। इनकी कटिंग भी बहुत जल्दी लग जाती है और ये पौधा बहुत ही सस्ती प्राइस में भी मिलता है। ये 10 से 15 रुपए में हमें मिल जाता है। किसी भी छोटे से बड़े बास्केट में इसे हम बहुत आराम से लगा सकते हैं। इनके सिंगल लीव से भी हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेंथ्रा की ये वैरायटी जिसे लोरोपोटेडियम कहते हैं, वाइन कलर की जो इनकी लीव्स हैं वो बेहद ही खूबसूरत है। इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलता है। आउटडोर सनलाइट इसे बहुत पसंद है, सनलाइट में इसका वाइन कलर होता है, और इंडोर में रखते तो थोड़ा सा ग्रीन शेड में ये चेंज हो जाता है। ये भी ऐसे ही सस्ते प्राइस में और बहुत ही हार्डी पौधा होता है, जिसको खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी की ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। ये अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन भी एक मेडिसिन पर्पज़ के थ्रू घर में ज़रूर रखा जाता है और इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है। इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलती है। कटिंग से ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। किसी भी टाइम में आप इनकी 2 से 3 इंच की कटिंग लेके आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अभी मेरा पौधा कटिंग के लिए एकदम रेडी है, इतना हेल्दी हो गया है। ये है हमारा नेंथ्रा। नेंथ्रा की जो ये वैरायटी है इसमें बहुत सारे कलर हमें दिखने को मिलता है। देखिए इसमें हल्का सा आपको पर्पल भी नज़र आ रहा है, मैरून भी, ग्रीन भी और लेमन कलर भी। और जैसी ठंड होती है ना इनकी पत्तियाँ एकदम रेड में चेंज हो जाती है, तब दिखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये भी 10-15 रुपए में मिल जाता है। अगला पौधा हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को घर में आने की देरी है, ये किस तरीके से भर जाएगा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूलों का कलर वाइट होता है जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए इस तरीके से इनके रनर्स ग्रो होते हैं। ये जो फ्लावर जब ये सूख जाते हैं तो यहीं पर इनके बेबी प्लांट ग्रो होते हैं, और उन्हीं बेबी प्लांटों को डिवाइड करके हम किसी भी सॉइल में अच्छी तरह लगा के एक नया पौधा किसी भी टाइम फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये पौधा भी बहुत सस्ता पौधा होता है। अगला हमारा ये वांडरिंग ज्यू है। वांडरिंग ज्यू जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था नर्सरी में तो मैं सोचती थी इतनी खूबसूरत पत्ती वाला पौधा कितना महंगा होगा, लेकिन जब इसकी प्राइस में मुझे पता चला तो तुरंत मैं ले के आई। ये पौधा मात्र 10 रुपये में मिलने वाला पौधा होता है, इससे अधिक इनकी प्राइस नहीं होती है। हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। वैसे ग्राउंड कवर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों साइड ये पौधा चलता है। इस पौधे को भी हम किसी भी टाइम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके ये देखिए जो ब्रांचेस आप देख सकते हैं, इनके हर ब्रांच में एरियल रूट बहुत ही हेल्दी ग्रो हुए रहते हैं। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, बस यहाँ से 1-1 इंच की कटिंग लेकर अगर हम किसी भी सॉइल में इसे थोड़ा सा टच करके रख देते हैं तो वहाँ पर एक नया पौधा हमें फ्री में मिल जाता है, क्योंकि इनकी कटिंग मिनटों में लग जाती है। बहुत ही सुंदर पौधा, अगर मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसे ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट हमारा पोथोस की ये लक्की प्लांट है। पोथोस जितनी भी वैरायटी होती है सारे लक्की होते हैं। ये लेमन कलर का जो लीव्स है ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए इनकी पत्तियाँ इस टाइम कितना खिला खिला सा लग रहा है। ये पौधा भी हमें छोटा सा पौधा ऐसे 15 से 20 रुपये में मिल जाएगा, तो इस टाइम आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं और इनकी कटिंग आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी एरियल रूट बहुत ही हेल्दी ग्रो हुए रहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए बस यहाँ से 1-1 इंची की कटिंग लेके अगर आप किसी भी सॉइल में लगा देंगे तो वहाँ पर एक नया पौधा आपको फ्री में मिनटों में मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक पौधा जिसे पर्पल हार्ट कहते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और एक सैकुलेंट प्लांट भी है। बहुत ही सुंदर इसका कलर होता है। इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला एक रफ प्लांट है। एक पौधा अगर आपके पास आ गया उसी एक पौधे से आप हज़ारों पौधे किसी भी टाइम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्राइस है, ये भी हमें 10 रुपये में मिल जाएगा, इससे अधिक इनकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं होती है। पानी बहुत कम चाहिए होता है इसे। इंडोर आउटडोर दोनों साइड रख सकते हैं। ये देखिए बोतल में मैंने थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पीस लगा दिए थे और इस रेनी सीजन में ये कितना हेल्दी हो गया है।
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अंधेरी जगह पर भी बहुत ही हेल्दी रहते हैं, ये जैसे पीलिया एक्सप्रेसो। ये इंडोर आउटडोर दोनों साइड बहुत ही आराम से चलता है। इसे अगर धूप नहीं मिल रही है तो भी इतनी शाइनिंग वाली इनकी लीव्स रहती है इंडोर में। ये भी सस्ता पौधा है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पौधे जिनको आप इस टाइम खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।